हेलो दोस्तों, मैं शीशा टेस्ट गार्डन दिवस बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास ये क्या है, मास ग्रास। ये जहाँ भी रहती है वो एरिया बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों, पर ये हर जगह नहीं रहती। और ये अपने गार्डन में हम ऐड कर लें तो इससे हमारे लिए हर गार्डनर को बहुत फायदा होता है। ये खूबसूरती के साथ साथ बहुत सारे लाभ हमको देती है दोस्तों। ये मखमली गार्डन, इसको टच करो ना तो बहुत ही मतलब एक सुखद एहसास होता है और खूबसूरती आँखों को तो देती ही है। तो दोस्तों, ये कहाँ पाई जाती है, ये जो पुरानी बिल्डिंग होती हैं और जो ईंटे की दीवारों में अस्तर नहीं होता वहाँ ही पाई जाती है, जहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा नहीं आती और वो नमी वो स्थान में बना रहता है, तो ये मास ग्रास उग आती है। और ये धीरे धीरे फैल जाती है और इसमें ये फ्लावर नहीं है, ये छोटे छोटे पेड़ हैं, असंख्य में ये पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं इसमें। ये पौधों का गुच्छा है जो एक मखमली चादर की तरह ज़मीन में अगर है तो ज़मीन में खूबसूरती बिखेरेगी, दीवालों में है तो दीवालों में ग्रीन ग्रीन बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और कुछ लोग दोस्तों काई को ही मास ग्रास समझ लेते हैं, लेकिन काई और मास ग्रास में बहुत अंतर है, तो मैं आपको बताऊंगी। मास ग्रास काई में ये अंतर है कि ये काई देखिए, जहाँ पानी स्टोर थोड़ा होता है और ये भी नमी में उत्पन्न होती है, लेकिन जहाँ ज़्यादा पानी स्टोर होता है तो काई जैसे लग जाता है जो देखने में सुंदर नहीं लगती है, और ज़्यादा काई लग जाए तो मन को अच्छा नहीं लगता है, एक अजीब सा मन लगता है। दूसरा, ये फिसलती है, ये अगर काई लगे स्थान में अपना पाँव पड़ गया है तो समझ लो कि इंसान गिर ही जाता है, तो नुकसान पहुँचाती है काई, देखने में भी खराब लगती है और ये फिसलन से भरी होती है ये। और ये जहाँ ज़्यादा पानी जमा होता है वहाँ ये हो जाती है, और फिर जब धूप लगता है तो धीरे धीरे ये सूखने लगती है। तो दोस्तों, ये काई है, इधर देखिए ये दीवालों में, ये क्योंकि इधर ऊपर ओवरफ्लो है तो पानी दिन भर ही गिरता है, बारिश का भी पानी पड़ता है और ओवरफ्लो का पानी तेजी से बाहर जाता है, लेकिन कुछ छींटे इसमें आते रहते हैं, तो ये काई है। जब इसमें धूप लगेगी तो धीरे धीरे ये निकल जाएगा। और दोस्तों, मॉस ग्रीन ये है, ये देखिए, ये इधर पर ये मॉस ग्रीन है, ये मॉस ग्रास, सॉरी ग्रीन बोल दिए, मॉस ग्रास है ये, देखिए यहाँ ये एकदम नमी गुदगुदा गुदगुदा सा लगता है ये। और मॉस ग्रास फिसलन से भरी नहीं होती है, उसमें ऐसे हाथ रखो तो स्पन सा नरम नरम, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ये हरी है और यहाँ धूप लगा है तो धूप के कारण इसका कलर इस तरह हो जाता है। ये देखिए, ये मॉस ग्रास है, ये यहाँ पर धूप कम पड़ी तो थोड़ी ग्रीन दिख रही है, धूप कम हुई तो ये हिस्सा ग्रीन है और इधर हिस्सा ये इसका डार्क रंग का हो गया है, डार्क कलर, जहाँ धूप पड़ जाता है तो ऐसे सूख सी जाती है ये यहाँ, लेकिन ज़्यादा ये मॉस ग्रास नहीं, हल्की नहीं मॉस ग्रास यहाँ बन पाई है। एक यहाँ कहीं तुलसी का बीज झड़ा होगा तो देखिए ये तुलसी का बीज जमाया है यहाँ, ये मॉस ग्रास मेरा हुआ था, ये दीवार है, ये काई नहीं है, ये बहुत सुंदर स्पन जैसा गुदगुदा लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बन पाया। ये वहाँ बनता है, पुरानी बिल्डिंगें होती हैं और जो ईंटों की दीवारों में अस्तर नहीं होता और जहाँ बराबर धूप नहीं लगती है, कुछ समय की ही धूप लगती है, वहाँ ये पौधे जमाते हैं छोटे छोटे, उसको हम मास ग्रास कहते हैं। पर अब ये धूप पड़ रही भी, बारिश बंद हो गई है तो डायरेक्ट धूप, देखिए ये दीवार है, ये इधर ये टेरिस का ये दीवार है, तो दीवार की छाया पड़ती है, पूरे दिन की धूप नहीं लगती, लेकिन अब बारिश रुकी हुई है हफ्तों से तो धीरे धीरे इसका कलर डल हो गया है, ये देखिए इस कलर में तब्दील हो गई है। मास ग्रास है यहाँ पर, ये पौधे उगाए हैं, ऐसे रखो तो लगता हाथ से सहलाती रहो। ये इधर नल की पाइप गई है, ये एरिया अभी ज्यादा धूप नहीं लगती तो ये बनी है, और लेकिन ये काई है, ये इधर पे काई लगा है। मास हमने बताया कि मास ग्रास और काई में क्या अंतर है। काई दिखने में अच्छी नहीं लगती है, जहाँ ज्यादा लगी रहती है वहाँ एक अजीब सा लगता है काई। दूसरा, वो उससे खतरा होता है कि जहाँ भी हमारे पैर पड़ेंगे तो आदमी फिसल जाता है। और ये है मास ग्रास, ये खूबसूरती से भरा होता है, हमें क्या है इससे कई लाभ है, गार्डन के लिए भी और अपने जीवन के लिए भी स्वास्थ्य लाभ है बहुत सारा। और ये कहाँ, जहाँ पुरानी बिल्डिंगें होती हैं, जहाँ ईंटों की इमारतें होती हैं, जहाँ नमी बनी रहती है वहाँ ये पौधे उगाती हैं दोस्तों। और हम इसको सेव करके भी रख सकते हैं, इसको हम अपने गार्डन में
भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये खूबसूरत ग्रास जो है हमारे जीवन के लिए प्रकृति का अनमोल उपहार है। ये प्रकृति ने हमारे लिए जैसे मखमली चादर बिछाई हो जो हमारे मन को ठंडक देती है, खुशियाँ देती है। हम देखते हैं तो एक कालीन सा हरा हरा गुदगुदा गुदगुदा बिछा रहता है जो मन को बहुत सुंदर लगता है। दोस्तों अगर हम सोचें कि इसमें अगर फूल नहीं है तो इसके बीज कहाँ से आते होंगे दोस्तों। तो इसमें फूल नहीं आते, छोटे छोटे पौधे के गुच्छे हैं, तो इनमें फूल नहीं है तो सीड्स कैसे बनेंगे। लेकिन ऑनलाइन सीड्स इसके मिलते हैं, हमने पता भी किया था। तो मॉस में क्या है, स्पोरोफाइट होते हैं यानी निकेट सीड होते हैं, जो ये सूख जाने पर जो ये है इन्हीं से बीज बनता है। और दोस्तों तो दोस्तों जैसे ये है, हम इनको ये सुखा के रख लें, तो कहाँ सुखाएं, धूप में ना सुखाएं, हम इनको छाया में सुखा लें। और जब ये 3-4 दिन में सूख जाएंगे, इनकी नमी ख़त्म हो जाएगी, तो ये जो मिट्टी लगी है इधर हम ये झड़ जाएगा, और इनको हम स्टोर करके एक अच्छे डब्बे में रख सकते हैं। और जब मौसम इनका अनुकूल हो तो उन्हीं जो हमने सीड को रखा है ऐसे ही लगा दें, और ऐसे जगह पर रखें जो इंडोर प्लांट्स में कि, और पानी दे दें तो ये फिर से ही हरे हो जाएंगे। इसमें ये विशेषता होती है और ये कई सालों साल चलते हैं। लेकिन इन्हें धूप में न छुपाकर छांव में सुखाना चाहिए, धूप से ये अच्छा नहीं होता। और मिट्टी झाड़ के स्टोर करके रख सकते हैं, मिट्टी सहित न रखें। और जब बरसात का समय आए, जब इनके लिए जो सीजन सही होता है नमी युक्त सीजन, तो हम इनको जो ये मास ग्रास, सूखी हुई मास ग्रास को कहीं भी अपने किसी पॉट में अलग से लगा दें, या जो हम बोनजाई बनाते हैं तो उनमें मिट्टी कम होती है तो हम इनको लगा सकते हैं। तो ये नमी बना के पौधों में रखता है और खूबसूरती तो ग्रीन ग्रीन देता ही है कि पूरा पौधा ग्रीनरी से भर जाता है। और किसी भी हम खूबसूरती बनाने के लिए किसी भी चीज़ को लगा सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे हम टुकड़े बीच बीच में रख दें, और जब इनमें हम पानी देंगे तो ये ऐसे धीरे धीरे फैल जाएगा और ये बना रहेगा। और थोड़ा इसको शेड में रखें, जहाँ छन की धूप आती हो, कुछ धूप आए बाकी छाया रहे, वहाँ ये आसानी से तैयार हो जाता है। और दोस्तों एक इसमें विशेष खासियत ये होती है कि ये हवा को शुद्ध करता है, जो हवा में फंगस वगैरह होते हैं जो, तो ये हवा को जो शुद्ध करता है, और जो हवा में क्या होता है बैक्टीरिया वगैरह होता है, हानिकारक केमिकल वगैरह होते हैं, ये अपने आप में सोख लेता है और हवा को ताजी और शुद्ध कर देता है। और दोस्तों ये गार्डन में हम लगाएं किसी भी पौधे में, तो नमी देर तक बना के रखता है। साथ ही अगर इसमें हम नंगे पैर चलें मॉस ग्रास में, तो हमें स्वास्थ्य लाभ भी देता है, कई तरह की हमारा जो बीमारियाँ इससे ठीक होती हैं। तो दोस्तों देखिए इसके कितने सारे लाभ हैं, और इसका मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाता है, और ये मिट्टी में नमी बना के रखता है, और जो है हम इसे कहीं भी आसानी से उगा सकते हैं, लेकिन तेज धूप नहीं, थोड़ा धूप और बाकी छांव हो जो इसकी नमी बनी रहे। तेज धूप में इसका कलर बर्बाद हो जाता है, अजीब सा कलर हो जाता है, और ये विकास नहीं करेगा, ये नमी युक्त जगह में विकास करता है। एक नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इससे इसको लगाने से हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, और साथ ही मिट्टी में नमी बनी रहती है। हम थोड़ा ही पानी देंगे तो पानी सूखता नहीं है, और सुंदरता तो देता ही है। और दोस्तों हम क्या है, जो हम इंडोर प्लांट लगाते हैं उसमें हम मास ग्रास लगा दें तो ये ग्रीन रहेंगे, और जब इनका मौसम चला जाएगा तो ये थोड़ा सूख जाते हैं, नींद की अवस्था में चले जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। लेकिन जब इनको अनुकूल मौसम, इनका सीजन वाला जो आता है मौसम, तो फिर से ये इसी तरह हरे भरे ग्रीन सुंदर दिखते हैं। तो आप भी मास ग्रास लगाएं, और किसी भी पॉट में हम इस तरह के टुकड़े टुकड़े करके लाइन से लगा देंगे तो ये धीरे धीरे, और पानी देते रहेंगे, हल्का पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, तो ये इसी पूरा ये ऐसे धीरे धीरे ये भर जाएगा, एकदम फैल जाते हैं, ये एक माह के अंदर फैल जाएंगे, इनमें जड़ें आ जाती हैं, जड़ें जो हैं अपने स्थान को पकड़ लेती हैं। तो ये कालीन सा ग्रीन मुलायम मखमली कालीन दिख जाता है हमारे पॉट में,
और बीच में अगर पौधे लगे हैं तो बहुत ही सुंदरता प्रदान करता है, गार्डन में चार चांद लगा देता है। तो दोस्तों इसकी ग्राफ्टिंग बहुत ही सरल है, आप कहीं भी पुरानी दीवार में जाएं, वहां से एक चाकू या खुरपी की मदद से आप इसको निकाल सकते हैं। मैंने भी पुरानी दीवार से इसको निकाला है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।